थैंक यू कॉमरेड चावला जी, आप यहाँ आके हमें जो प्रोत्साहन पर बातें बताई उससे हम लोग ना ये लोग जिंदाबाद सर्वप्रथम आपको मैं नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ कि नया साल हमारा आने वाले पूरे साल हमारे लिए अच्छा हो, शुभ हो। आज इस बात को लेकर के हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये आपके द्वारा उठाया गया पहला बड़ा कदम है कि आप इस सरकार को चुनौती देने के लिए उठ खड़े हुए हैं। और सरकार जो हमारे नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर, और नई दिल्ली के जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं तमाम सरकारी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी कुछ डिमांड्स है सरकार के समक्ष, आइए जानते हैं ये लोग नई दिल्ली के जंतर मंतर क्यों आए हैं, इनकी क्या प्रमुख मांगे हैं सरकार से। पहले आपका परिचय जानना चाहिए। मैं रत्नाकर अंकले हूँ, मैं जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया IDBI एम्प्लॉयज एसोसिएशन। आज आप क्यों आए हैं यहाँ? मैडम जी, आज हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IDBI बैंक के अंदर का शेयर होल्डिंग जो कि LIC और IDBI बैंक का है 30-30% ऐसा 60% शेयर होल्डिंग किसी प्राइवेट प्लेयर को, किसी प्राइवेट इंटिटी को बेचने का निर्णय लिया गया है। और इसका विरोध हम इसलिए करते हैं क्योंकि IDBI इतने दिनों से सरकारी संस्था है, उसके अंदर LIC ने जो इन्फ्यूज किया है अमाउंट, वो अगर किसी प्राइवेट के हाथों में चला जाएगा तो IDBI बैंक ये गवर्नमेंट इंटिटी निकल जाएगी। और इसकी वजह से सिर्फ नॉट ओनली एम्प्लॉय लेकिन जो कॉमन लोग है भारत के अंदर, जिनका कस्टमर जो है, जो काश्तकार है गांव के अंदर, किसान है, छोटे मोटे बिजनेस करने वाले लोग है, इन लोगों को अगर प्राइवेट होने के बाद कोई भी अगर लोन लेना है, कोई भी लेना है, तो उनको इंटरेस्ट रेट प्राइवेट वाला ज्यादा लेगा। वो इंटरेस्ट रेट मे बी 20-25% होगा। इसी वजह से हमारा इसको अपोज है। IDBI के अंदर आज जितना भी इन्वेस्टमेंट आया है, जितना भी हमारे पास फिक्स डिपॉजिट है बैंक के पास, वो सब कॉमन आदमियों का है। और वो अगर किसी प्राइवेट ने ले लिया तो उसकी श्योरिटी कौन देगा? आज अगर सपोज करो गवर्नमेंट बैंक डूबता है तो उसका जो जिसने इन्वेस्टमेंट किया है उसका सब पैसा वापस मिलता है। अगर
ये किसी प्राइवेट के हाथ में जाएगा, तो अगर सपोज करो किसी कस्टमर ने 2 करोड़ रखा है तो उसको सिर्फ 5 लाख रुपए ही उसको रिटर्न मिलेगा, यानी कि सबसे ज्यादा नुकसान कस्टमर का है। इसके साथ साथ हमारे बैंक के अंदर 18,000 एम्प्लॉइज डायरेक्टली और तकरीबन 15,000 एम्प्लॉय इनडायरेक्टली जो कॉन्ट्रैक्ट में है, उन सभी का फ्यूचर उनका अंधकारमय हो गया है, क्योंकि जितने लोग यहाँ पर है उन्होंने IBPS के अंदर एग्जाम देकर इसीलिए IDBI को चूज किया, बिकॉज इसके अंदर सिक्योरिटी थी, सेफ्टी थी और गवर्नमेंट बैंक थी। ये अगर कल प्राइवेट हो जाएंगे तो प्राइवेट बैंक होने के बाद वो आने वाला जो फेयर फैस का होगा या कोई भी होगा वो हम लोगों को यहाँ पर नहीं रखेगा और हमारी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो निकल जाएगी, ये तो हमारे लिए है। इसके साथ साथ कस्टमर का भी प्रॉब्लम है, इसलिए हम यहाँ पर आज ये धरना दे रहे हैं 1 दिन का। आने वाले दिनों में हम इसको इंटेंसिफाई करके बड़े पैमाने पर विशाल रूप में धरना। मैं संजय कुमार खान, मैं सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन और जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन दिल्ली स्टेट। सर, जो निजीकरण जिस तरीके से कह रहे हैं कि होने वाला है, इसलिए कर रही है सरकार, कहीं ना कहीं सरकारी जो कर्मचारी है वो सुचारू रूप से कार्य नहीं करते हैं, प्राइवेट हो जाएगा तो अच्छे से कार्य करेंगे। तब तो फिर आपने देखा होगा कि जितने भी प्राइवेट बैंक थे वो डूबे क्यों, वहाँ तो अच्छे काम हो रहे थे। अभी मैडम चंदा कोचर जिनको की पद्म विभूषण दिया गया था, उनको तिहाड़ क्यों पहुँचाया गया, तो बड़ा अच्छा बैंक के अच्छे चेयरमैन थी। तो ये सिर्फ सरकार के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकारी बैंक में कर्मचारी अच्छे से निकाल, सरकारी बैंक की जो हालत खराब हुई है वो सरकार के द्वारा अलाउ किए गए हैं कॉर्पोरेट के लूट के वजह से हुई है। बैंक कर्मचारी अधिकारी इसमें जिम्मेवार नहीं है, ये सरकारी नीति जिम्मेवार है और इस देश के चुनिंदे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं जिन्होंने बैंक के पैसे को लूट करके खाने का। सबसे ज्यादा नुकसान इसको किसको होगा इससे, अगर ये निजीकरण हो जाता है? ये निजीकरण होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान इस देश की जनता को होगा, इस देश के आवाम को होगा। हम भी पहले देश की जनता के रूप में एक नागरिक है इस देश के, फिर हम इम्प्लॉयज और ऑफिसर हैं, तो हमें दोनों तरफ से नुकसान होगा, एज ए सिटीजन ऑफ दिस नेशन, एज ए इम्प्लॉयज एंड ऑफिसर ऑफ दिस बैंक। सर, आज आप किसे मेमोरेंडम सौंपेंगे? आज सेक्रेटरी दीपम को आज मेमोरेंडम देंगे, हमारे दोनों ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी। पहले भी आप दे चुके हैं? पहले भी गया है ईमेल के द्वारा और दूसरे चैनल से गया है। आज फिजिकली सरकार से यही अपील है कि इस प्राइवेटाइजेशन के दौर को खत्म करें बैंकों के भीतर, और बैंक के भीतर जो भी चीजें हैं प्राइवेटाइजेशन के रूप में जो भी लाने का सरकार प्रयास करे उससे सरकार तौबा करे। नहीं तो आने वाले बड़े उद्योगपति हैं उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है, उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है, डायरेक्ट पहुंचाया जा रहा है। एक तो उन्होंने पहले लोन लिया, उस लोन को माफ किया जा रहा है, उस लोन को राइट ऑफ किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो बच गए पूंजीपति उनके हाथ में बची हुई चीजों को सौंपा जा रहा है, तो नेचुरली ये इसके बेनिफिशियरी, तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी वही है। आपका नाम? मेरा नाम विठल कोटेश्वरा है। तो आज सभी राज्यों से, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, सभी विभिन्न राज्यों से महिलाएं ऑफिसर्स हैं, सभी लोग आए हुए हैं। ये जो गवर्नमेंट बैंक को प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टर्स के हाथ में दे रहे हैं, ये पहली बार भारत देश में ऐसा हो रहा है। इससे जो डिपॉजिटर्स का, सरकार को सरकारी नौकरियां देनी चाहिए तो प्राइवेट किया जा रहा है। हाँ, एक तो नौकरी की बात है, लेकिन जो आम आदमी का सर्विस जो मिल रहा है वो गवर्नमेंट बैंक में ही मिल रहा है। जीरो बैलेंस अकाउंट कहाँ मिल रहा है? गवर्नमेंट बैंक में ही मिल रहा है ना, और विश्वास भी गवर्नमेंट बैंक में ही होता है, वहाँ सॉवरेन गारंटी है। गवर्नमेंट बैंक में सॉवरेन गारंटी है, आप 10,000 रखो, 10 लाख रखो, 12 लाख रखो, गारंटी रहता है। लेकिन प्राइवेट बैंक में आप जितना भी रखिए 5 लाख तक ही गारंटी है। तो आज कहीं ना कहीं आम जनता को ही इसमें नुकसान, बिल्कुल उनको नुकसान होने वाला है। हम ऑलरेडी सोशल मीडिया कैंपेन शुरू किए थे, हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और सभी का साथ लेंगे। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? पहले अपना नाम दे, इंट्रोडक्शन। आई एम जयकला, आई एम सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया IDBI ऑफिसर्स एसोसिएशन, आई एम कमिंग फ्रॉम केरला। ओके, वी आर हियर अगेंस्ट द सेल ऑफ IDBI स्टेक्स, and we have started this agitation since 2016, and we will continue the agitation till we win, because we will not allow the privatization of IDBI, and we want to retain IDBI as a government sector bank. Sir, aap? मेरा नाम गौतम पटनायक है, मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से हूँ।
मेरा ये सवाल ये है कि 3 साल पहले जब गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया था और डिसीजन ये लिया था कि जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो जब लॉस मेकिंग थे तब उसको प्राइवेटाइजेशन करने का डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया था, मगर अभी लास्ट 2 साल से सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंक्लूडिंग IDBI बैंक हम अभी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो इस बेसिस में और लास्ट 2 साल में हमने अपना रिकवरी और रिकवरी को बहुत अच्छी तरह से बढ़ावा दिया है, उस वजह से हमारा और प्रोविजनिंग भी अच्छा खासा लिया है IDBI बैंक ने, इस वजह से प्रॉफिट भी बढ़ा है बैंक का। तो जब प्रॉफिट आया बैंक का तब गवर्नमेंट का ये डिसीजन फिर क्यों है, मेरा ये सवाल है। तो पहले का डिसीजन मतलब गवर्नमेंट का गलत था, अगर लॉस कर रहा है PSU तो उसको बेच दिया जाए और प्रॉफिट भी कर रहा है तभी बेच दिया जाए। तो बात यह है कि बात लास्ट 58 ईयर से पब्लिक सेक्टर बैंक्स नेशन के काम में लग रहे हैं, देश के काम में लग रहे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और IDBI बैंक का रिपील एक्ट में 2003 December 8 and 15 को पार्लियामेंट में ही बोला गया था गवर्नमेंट विल नेवर रिड्यूस इट्स शेयर बिलो 51%। तो ये बैंक गवर्नमेंट का खुद का डिसीजन के अगेंस्ट में गवर्नमेंट जा रहा है और ये एक थ्रेटन है और सभी एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स को IDBI के लिए कि वो अपना जॉब सिक्योरिटी भी थ्रेटन में है। तो इस वजह से हम ये धारणा में बैठे हैं और ये आगे भी चलता रहेगा जब तक गवर्नमेंट ये स्टेप बैक नहीं ले ये डिसीजन। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम प्रश्न वेंकटेश है, मैं तमिलनाडु से हूँ। फिलहाल ये जो निजीकरण जो मुद्दे के ऊपर जा रहा है गवर्नमेंट, ये तो बहुत खिलाफ है, आम आदमी के खिलाफ है और स्टाफ मेंबर्स के खिलाफ है। इसके आगे जो अपॉर्चुनिटी माने इसको मौका देने वाले और जो एम्प्लॉयमेंट के लिए उसके लिए भी नहीं मिलने वाला है, वो रिजर्वेशन का कोटा नहीं देने वाले हैं प्राइवेट हो जाएंगे तो ICICI में या फिर जो भी प्राइवेट बैंक है उनका ये रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है। आप ये आपका कहना ये कि कहीं ना कहीं आरक्षण जो मिलता है उसको भी खत्म करने की साजिश है। हाँ वो बिल्कुल, ये सब जो भी जो स्टेप्स ले रहे हैं गवर्नमेंट ये उसको वो सबको खिलाफ है, जहाँ इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए गवर्नमेंट और सरकार नहीं कर रहा उसके अगेंस्ट तो हम विरोध करेंगे। तो जहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है आपको जहाँ जिन जिन को मौका मिलेगा वो भी लाइक इट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड हो गया। तो देखा आपने जिस तरीके से यहाँ पर बैंक कर्मचारी जो यहाँ पर आए हैं और इनकी यही डिमांड है कि निजीकरण जिस तरीके से बैंकों का हो रहा है उसको ना किया जाए, अगर यदि ये चीजें लगातार होती हैं तो ये लोग विशाल रूप में धरना प्रदर्शन का जारी रहेगा जब तक इनकी डिमांड पूरी नहीं हो जाती। तो आप लोग कुछ खबर को देखते रहिए, कुछ खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।